प्रश्न तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको पर्यावरण शब्द हिंदी ग्रामर दोनों सब्जेक्ट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को कम से कम आप 10 लाइक दे दें। अगर आप लाइक देंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, आज का मेन टॉपिक है पानी का पर्यावरण शब्द क्या होता है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पानी का पर्यावरण शब्द क्या होता है उसकी लिंक भी दी गई है, साथ ही साथ 5000 पर्यावरण शब्द की लिंक दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं और वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आप अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, पानी का पर्यावरण शब्द क्या होता है। पानी का पर्यावरण शब्द होता है उदक, सलिल, जल, त्वय, पय, अंग, मेघ, पुष्प, वाली, नीर, आग, आप और अमृत। इसे फिर से देखिए, उदक, सलिल, जल, त्वय, पय, अंग, मेघ, पुष्प, वाली, नीर, आग, आप और अमृत। ठीक है, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आप बनते हैं जिसे आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है या फिर नीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपने कुछ बताना नहीं है, जल का पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाता है आपको इसे छोड़ देना है। ठीक है, अब जल के बाद तोय, पय, अंब, उदक, सलील, पानी, मेघ, पुष्प, वाली, नीर, आप और अंब। इसी तरह नीर का भी पूछा जाता है या किसी का भी पूछा जाता है, आपको उसे छोड़ देना है, उसके अलावा बाकी सबको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, विष्णु के 3 पर्यायवाची शब्द बताएं। यह आपको इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपको इससे रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, आप विष्णु के 3 पर्यायवाची शब्द नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपको रिवीजन होता रहे। या विष्णु के 3 पर्यायवाची शब्द मेरे ही चैनल पर दिए गए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।